चरणजीत सिंह हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है, वह बहुत प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। चरणजीत सिंह का जन्म 13 फरवरी 1931 को हुआ था। सिंह 1960 के ओलंपिक खेलों का हिस्सा थे जहां भारत ने रजत पदक जीता था। सिंह 1962 के एशियाई खेलों का भी हिस्सा थे जहां भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक जीता था। फिर सिंह भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान थे। उन्हें भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ हॉकी कप्तानों में से एक के रूप में जाना जाता है। चरणजीत ने बहुत पहले कहा था, 2 मेडल जीतने के बाद जब हम भारत पहुंचे तब लोगों की भारी भीड़ मेरी टीम का उत्साहवर्धन कर रही थी। ये बहुत भावुक था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मेरे प्रशंसक मेरे लिए चीयर कर रहे थे। उन्होंने शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में भी काम किया। वे हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहते थे। उनकी पत्नी का 12 साल पहले निधन हो गया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा कनाडा में डॉक्टर है। दूसरा बेटा उनके साथ रह रहा था और उनकी बेटी की शादी दिल्ली में हुई थी। 5 साल पहले उन्हें दौरा पड़ा था और लंबे समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दुख की बात है कि कल 27 जनवरी 2022 को चरणजीत को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। जब उनकी मौत की खबर फैली तो लोग बहुत हैरान और दुखी हो गए। वे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और उनके हॉकी कौशलों को याद किया जाएगा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं साझा की।